समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से भाजपा सरकार द्वारा पैसे लिए जाने की खबर को बेहद शर्मनाक बताया। अखिलेश ने कहा कि आज साफ हो गया कि पूंजीपतियों का खरबों माफ करने वाली भाजपा सरकार अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गरीबों से ही ट्रेन के टिकट के पैसे लेने थे तो कोविड केयर फंड में जो खरबों रुपया डलवाया गया उसका क्या होगा।